सो नाउ दिस मॉड्यूल इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस मॉड्यूल जिसमें हम देख रहे थे कि आप जो है एक स्टैंडर्ड आई पी वी फॉर ए सी एल को किस तरह कन्फिगर करते हैं हमने देखा था उस मॉड्यूल के अंदर कि आप क्रिएट किस तरह करते हैं ए सी एल को उसकी डेफिनेशन को और हमने ये भी देखा था कि आप जो है उसको इंटरफेस में किस तरह असाइन करते हैं लेकिन हम आज के मॉड्यूल में जरा डिटेल में देखेंगे कि उसकी जो इंटरफेस की जो असाइनमेंट है ए सी एल की जिसकी डेफिनेशन आपने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है उसके जो है क्या क्या स्टेप्स हैं फिर हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आज के मॉड्यूल में सो अप्लाइंग स्टैंडर्ड ए सी एस टू द इंटरफेसिस पहला जो स्टेप है वो तो है आप पहले इंटरफेस जो है वो एक क्रिएट करेंगे राइट ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में लाइक like, uh, जिस तरह यहाँ है एक्सेस लिस्ट की वर्ड और आई डी और फिर उसकी जो है परमिट uh, अलाउ की ऑप्शन और इस आई uh, पी को इस वाइल्ड कार्ड मास्क में इस नेटवर्क को जो है आप परमिट कर रहे हैं जो ऑल दी uh, ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है ये तमाम एड्रेसेस को मैच करेगी जो कि स्टार्ट हो रहे हैं वन और टेन से लेकर एंड तक टू तक अगर आपने रिमार्क की ऑप्शन देकर आप जो है इसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद जब आप असाइन करेंगे स्टेप टू के अंदर उसके अंदर आप इंटरफेस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन कमांड में जाएंगे uh, जिसमें इंटरफेस सीरियल है राइट right? और फिर आप आईपी एक्सेस ग्रुप की कमांड यूज करके आप जो है अपने ए को एक्टिवेट करेंगे यहाँ आप उसकी ए की आई देंगे जो कि यहाँ आपने क्रिएट की थी राइट right? और फिर आप बताएंगे कि उसका जो है डायरेक्शन क्या है आउट है कि इन है सो so ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो ये एक्टिवेट कर रही है एक्सटैंड आई पी वी फोर ए सी एल को वन ऑन द इंटरफेस एज एन आउट बाउंड फिल्टर विच मीन्स के राउटिंग डिसीजन होने के बाद जब आप फॉरवर्ड करने लगेंगे तो तब जो है इस, ये जो ए सी एल है ये एग्जीक्यूट होगा कन्फिगर होगा राइट सो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं हाउ टू परमिट अ स्पेसिफिक सबनेट जिस तरह के आपको स्लाइड में नजर आ रहा है दिस इज ए टिपिकल नेटवर्क जिसमें एक राउटर लगा हुआ है देर आर टू सबनेट्स बेसिकली वी वॉन्ट टू अलाउ पर्टिकुलर सबनेट सो इन दिस केस इज गोइंग टू बी वन नाइन टू डॉटी डॉट टेन डॉट जीरो सो दिस इज दबनेट राइट जिसको हम अलाउ करना चाह रहे हैं कर रहे हैं आपको मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड जो होता है ए सी एल वो इट हैज इट इज रेक दैट इट शुड बी क्लोज टू डेस्टिनेशन सो दैट्स वाई जो है इंटरफेस सीरियल एस जीरो स्लैस जीरो स्लैश जीरो और फिर आई पी एक्सेस ग्रुप की वर्ड उसका ए सी एल का आई डी और कहा किस क्या उसका मोड डायरेक्शन है आउट डायरेक्शन है सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू डिनाई अ स्पेसिफिक होस्ट एंड परमिट अ स्पेसिफिक सबनेट सो दीज आर द स्टेप्स पहले तो आप पुरानी ए सी एल जो है आपने बनाई है विदी वन उसको आप रिमूव uh, करेंगे उसके बाद यू क्रिएट दी एल डेफिनेशन एक्सेस लिस्ट आई डी वन डिनाई करेंगे आप इस पर्टिकुलर आई पी एड्रेस को राइट विच इज दिस वन सो आप इस पर्टिकुलर होस्ट को आप जो है डिनाई कर रहे हैं राइट right? उसके बाद जो है यूर यू आर अलाउंगो दर बेसिकली होस्ट इन द नेटवर्क अदर जो नेटवर्क है उनको आप अलाउ कर रहे हैं और वो कौन सा है वो ये वाला नेटवर्क है राइट ये बेसिकली ये सारे जो 192.168.10.0 एंटी टू डॉट वन ये वाला नेटवर्क है आप इसमें बाकी मशीन को अलाउ कर रहे हैं सो इंटरफेस सीरियल एस इस वाले इंटरफेस को आपने सेलेक्ट किया और फिर आपने वहां जो है उसकी uh, जो है असाइन कर दिया उस ए को राइट सो अगर आप यहां देखें तो इसमें आप जो है एक पर्टिकुलर सबनेट जो है ये वाला सबनेट इसको आप जो है असाइन कर रहे हैं बाकी तमाम जो है उसको आप डिनाई कर रहे हैं जो ट्रैफिक यहां आ रही होगी वो ट्रैफिक जो है वो इस नेटवर्क पर भी नहीं जाएगी क्योंकि आपने जो है उसको डिनाई कर दिया आप सिर्फ इस नेटवर्क को परमिट कर रहे हैं सो so, सिमिलरली अगर आप सिर्फ जो है इस पर्टिकुलर होस्ट को डिनाई करना चाह रहे हैं और बाकी तमाम सबनेट्स uh, को में ट्रैफिक को अलाउ करना चाह रहे हैं सो एक्सेस वन डिनाई दिस पर्टिकुलर होस्ट दिस वन और उसके बाद आपने एक कमांड एक्ट एग्जीक्यूटिव लिखनी पड़ेगी एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी कि बाकी जितनी भी ट्रैफिक है किसी भी नेटवर्क को जा रही है उसको आप अलाउ कर दें एंड असाइन इट और यहां अगर आप देखें तो इसकी जो पहली बात इसमें जो असाइनमेंट है वो कहाँ हो रही है इस पर्टिकुलर इंटरफेस में हो रही है जो कि गीगा पीट इथनेट इंटरफेस है इस राउटर आर वन का और एक्सेस ग्रुप वन और उसकी जो डायरेक्शन है वो इन है सो इन वो डायरेक्शन है जो पैकेट आएंगे इस इंटरफेस में वो उसकी जब पहुंचेंगे इस इंटरफेस में राउटिंग डिसीजन होने से पहले उस पर ये ए जो है ये ये कन्फिगर हुई हुई है ये ए कंडीशन जो है वो रन होंगी राउटर रन करेगा और फिर वो फैसला करेगा कि पैकेट्स को जो है वो कहाँ अलाउ करना है नेटवर्कस में जाने के लिए कि नहीं सो देर इज अनदर वे विच इज क्रिएटिंग अ नेम्ड ए एक तो नंबर ए होता है और एक नेम्ड ए होते हैं सो रादर दैन गिविंग नंबर यू कैन ऑल्सो असाइन अ नेम टू दई सी एल विच इज ईजी फॉर यू टू रिमेम्बर एंड फॉर एनी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सो दिस इज द कमांड आई पी एक्सेस लिस्ट फिर आप बताते हैं कि क्या है स्टैंडर्ड है क्या स्टैंडर्ड है और फिर उसका आप नेम देते हैं सो दैट अल्फानेमैरिक नेम स्ट्रिंग मस्ट बी यूनिक एंड कैन नॉट बिगिन विद ए नंबर और उसके बाद आप उस कन्फिग्रेशन में मोड में पर्टिकुलर चले जाते हैं और फिर जो है वहाँ आपके पास और ऑप्शन आती हैं जो कि हम देखते हैं वो क्या ऑप्शन है राइट सो नेम्ड ए सी एल की एक एग्जाम्पल देखते हैं ये आपका एक नेटवर्क है राइट सो आई पी एक्सेस लिस्ट आगे जो है आपने स्टैंडर्ड बताया तो दो ऑप्शन था या स्टैंडर्ड होगा या एक्सटेंडेड होगा एक्सटेंडेड अभी तक हमने नहीं पढ़ा तो स्टैंडर्ड ही हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद ये उसकी नेम है नो एक्सेस राइट और आगे जो है फिर मैं इस इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में चला गया राइट right? और उसमें मैंने फिर कमांड एग्जीक्यूट किया डिनाई होस्ट दिस वन इस होस्ट को डिनाई कर दें आप एक्सक्यूज मी नो नॉट दिस वन बेसिकली इस वाले होस्ट को आप डिनाई करें सो लेट मीज दिस वन राइट इस वाले होस्ट को आप डिनाई करें और परमिट एनी इसके अलावा तमाम को आप अलाउ कर दें और इंटरफेस जो है ये जो है गीगा बिट जीरो ये वाला होगा और नो no एक्सेस और आउट पे आउट मोड पे इसकी डायरेक्शन आउट है इसके अलावा अगर आप कमेंट्स देना चाहते हैं सो दिस इज द की रिमार्क एक्सेस लिस्ट वन रिमार्क डू नॉट अलाउ गेस्ट वर्क स्टेशन थ्रू राइट और उसके बाद आप ये स्टेटमेंट uh, uh, लिखेंगे ए सी एल की डिनाई होस्ट वन नाइनटी टू रिमार्क है अलाउ डिवाइसिस फ्रॉम ऑल अदर सबनेट्स राइट और फिर आप परमिट की एक स्टेटमेंट uh, लिखेंगे और उसके बाद उसको इंटरफेस में कन्फिगर कर देंगे इसी तरह ये दूसरी है जिसमें नो no एक्सेस की जो है आपकी नेम्ड ए है उसका रिमार्क आपने क्या दिया है डो नॉट अलाउ एक्सेस फ्रॉम लैब वर्क स्टेशन डेना होस्ट किया आपने, फिर आपने रिमार्क किया जिसमें आपने सबको परमिट कर रहे हैं इसके अलावा और फिर आपने उसको असाइन कर दिया इस इंटरफेस को सो so, हमने जो है इसमें इस मॉड्यूल में, इस में देखा कि जो है आई स्टैंडर्ड जो ए होते हैं उनको आप किस तरह असाइन करते हैं इंटरफेसेस को और इससे पहले जो हमने देखा था वो ये देखा था कि ACL जो है उसकी क्रिएशन किस तरह होती है ACL डेफिनेशन की इस मॉड्यूल में हमने डिटेल में देखा विद एग्जांपल्स कि आप ACL को अप्लाई किस तरह करते हैं किसी भी राउटर के इंटरफेस को